हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलमेट कैम राइडर। तो भाई साहब, सुबह सुबह मैं तैयार व्यार हो करके, नहा धो करके, पूजा पाठ करके, सब कुछ करके निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ राइड पे। जी हाँ, राइड पे जा कह रहा हूँ वो आप लोगों को मैं रानी के साथ बताऊँगा। लेकिन आप लोगों को आज बहुत सी सारी बातें बतानी है, इन्फॉर्मेशंस देनी है, तो आज चैनल पे छोड़कर जाइएगा नहीं, सोचिएगा भी नहीं। मैं राइड पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, सारे गैजेट्स मेरे तैयार हो चुके हैं, सब बैग वैग सब रेडी है। तो चलिए बस निकलते हैं और रानी के साथ आप लोगों को भी मिलते हैं। तो गाइस, ये रही अपनी रानी, आइए राइड को शुरुआत करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि काफ़ी उजियारा हो चुका है। हाँ यानी चलिए, आज की इस वीडियो में ना, जय श्री शय ओम सूर्यदेवाय नमो नमः, ओम सूर्याय देवो नमो नमः, जय शंकर भगवान जी, है माता शेरा वाली, हमारी राइड अच्छी रखना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, मज़ा अलग से आए, जय शिव शंकर। तो मैं कह रहा था आज की इस वीडियो में ना, मेरे पास बहुत सारी बातें आप लोगों से करने के लिए, बहुत सारी बातें। बात नंबर एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने छोटा सा हिस्सा घर पे शूट किया था। हाँ जी, ये क्या है, ये पेपर स्प्रे है। आज मैं जा रहा हूँ, जी हाँ, बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए। वहाँ पर घंटा दो घंटा स्पेंड करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा आज अपनी बर्ड्स फोटोग्राफी। चलिए, हालांकि मेरा मेन कैमरा सोनी A57 तो ख़राब हो चुका है, और हाँ यार, लगे हाथों एक बात और बता दूँ, हमारी हर वीडियो में एक बात हमेशा से कॉमन रही है, वो है रेड लाइट। कभी रेड लाइट को जंप ना करें, हमेशा उसका पालन करें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो सामने से आती तेज़ गाड़ी को रोक सकती है और हम लोगों को बचा सकती है। तो इसीलिए उसकी पूरी रिस्पेक्ट करें, डी रिस्पेक्ट कभी ना करें, और अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाएं राइडिंग करते हुए। पहले मैं बता दूं कि मैं राइडर नहीं हूँ, मेरे चैनल का नाम हेलमेट कैम राइडर ज़रूर है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राइडर क्या होता है, मैंने ऐसे ही रख लिया। लेकिन अब रख लिया तो रख ही लिया है, बेस्ट है, नाम अच्छा है, इसलिए समझ लो रख लिया। लेकिन मैं राइडर नहीं हूँ, क्योंकि राइडर का मतलब होता है चोचले, ये चोचला वो चोचला, फला चोचला, ये लगाओ वो लगवाओ, अपने पास नहीं है भाई। अपने को जो नीडेड चाहिए वो अपने ने लगवाया, आप लोगों ने देखा अपने ने लैंप लगवाए हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने देखा मैंने हॉर्न हैवी कराया हुआ है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग दूर जाते हैं जहाँ पर ट्रक्स भी होते हैं, तो उनके बीच में उसकी आवाज़ आती नहीं थी हॉर्न की। और इसके अलावा एक लेट बैटरी होने के लिए दोनों साइड इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक वो लगाया KTM इंडिकेटर जिसे लोग मतलब कॉमनली कहा जाता है, एक वो लगवा रखा है। तो चलिए, हाल फिलहाल अपनी आज की राइड का मज़ा लेते हैं। भाई राइडर सारे ही होते हैं क्या, जो ऑफिस जाता है अपनी मोटरसाइकिल से 60-50 किलोमीटर डेली जाता है, वो राइडर नहीं है, वो भी राइडर ही है फिर तो। लेकिन जो राइडर का मीनिंग आजकल के लॉन्डों ने निकाल रखा ना, वो ये चोचले, ये चोचला वो चोचला, सेफ्टी से अपार्ट भाई जैकेट लेकर के, वो रबड़ की मतलब 10-10 हज़ार रुपये की जैकेट आती है, 10-10 हज़ार रुपये की जैकेट है, जी हाँ, वो लेकर के लौंडे जो है राइड पे निकल जाते हैं, और दो दो ढाई ढाई पाँच पाँच लाख की मोटरसाइकिल लेके, कुत्ते रुक जा यार। तो इसका मतलब ये है कि वो चोचले हैं सिर्फ भाई, और रबड़ लगा है अंदर भाई, अगर आप 15 महीना भर ना पहनो ना, वो रबड़ कट जाती है सारी की सारी। 10 हज़ार रुपये में रबड़ दे रहे हैं आपको, तो या तो आप बेवकूफ़ हो जो खरीद के आ रहे हो, या तो बनाने वाली कंपनी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तो उनकी समझदारी को उन्हीं के पास रखते हैं और हम नॉन राइडर बन के राइडिंग करते हैं।
भाई राइडर ऐसे नहीं बनते यार, मेरे को नहीं पता भाई राइडर क्या होता है। मैं तो यही मानता था भाई जो मोटरसाइकिल चला करके अपने ऑफिस में जा रहा है वो भी राइडर है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि चोचलों के अलावा कुछ और बसा हुआ है। अरे भाई कोई रोड पे मैकेनिक होगा, मैकेनिक मैकेनिक राइट साइड पे है, ठीक है। मैं क्या बता भाई, ठीक करता हूँ इसलिए रुका शायद।
आज कसम से बहुत मन था आज बर्ड्स फोटोग्राफी करने जाने का। एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिन बड़े स्ट्रेस में कटे हैं, तो अपना स्ट्रेस निकालने का यही मेरे पास माध्यम होता है, लेकिन क्या करूं, तो जो हो रहा है इसको तो बदला जा नहीं सकता। पूरा मूड का दही बड़ा हो गया यार। चलिए, एनी हाउ नो प्रॉब्लम, देखते हैं। अभी कुछ बंदों की हेल्प ली थी, मत करके इसको खोलने की कोशिश की थी। अब भैया थोड़ा सा थैंक यू भैया, ये बैठा, हाँ बैठा हुआ है, रिक्शा की आड़ में दिख नहीं रहा। अरे दूर से तो लगा था मैकेनिक है। हाँ दूर से तो लगा था कि पड़ा हुआ कोई सामान मैकेनिक है। चलो और आगे देखता हूँ। सॉरी मुझे लगा। इधर इधर ही है या इधर? अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। तो भाइयों फाइनली अपनी स्कूटी ठीक हो गई है, प्रेशर लेना बंद कर गई थी, बिना किसी मैकेनिक के ठीक हुई है। और बता दूं मैकेनिक की दुकान के बाहर से मैं जा रहा हूं, बंद है अभी तक। हुआ क्या था, प्रेशर लेना बंद कर गई थी, परंतु फिर अपने ने किशन मिस्त्री को, अपने जो रानी के डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया कि भैया बताओ क्या करें, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बताया भैया कुछ मत करो, आराम से पहले डबल स्टैंड पे खड़ी करो, क्योंकि उनको आवाज़ सुनाई कि ये देखो खड़खड़ ऐसे करके रुक रही है। कहते हैं कि प्रेशर नहीं ले रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रेशर नहीं ले रही है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर आप गाड़ी को प्रेशर दिलाएंगे। तो कैसे दिलाएंगे, ये कोई प्रेशर कुकर है? तो मैंने कहा भाई ये कोई प्रेशर कुकर है तो बताओ क्या करूं। कहने लगे कुछ मत करिए, गाड़ी को डबल स्टैंड पे खड़ा करिए, पहले 2-4 हल्की हल्की किक मारिए, ठीक है। उसके बाद कहने लगे कि अब स्ट्रॉन्ग किक मारिए, स्टार्ट करने वाली, ठीक है। 4-5 किक मारने के बाद कहते अब चोक खींच के किक मारिए। चोक खींच के किक मारते ही दूसरी या तीसरी
किक में स्टार्ट हो गई स्कूटी। बताओ यार, बताओ यार, इतना दुखद लगा ना, इतना दुखद हुआ, मतलब ऐसे लगा जैसे भैंसों इतनी दूर से चलता आ रहा हूँ, पूरी राइड कैंसिल कर दी, घर वापस जा रहा हूँ। हाँ यार, 8:30-9 हो गए हैं यार इस चक्कर में ना, और चल भी स्मूथ रही है, कुछ नहीं है। अब बताओ क्या यार, वहाँ खड़े होकर कितनी किक्के मारी थी लेकिन कुछ काम नहीं करी। लेकिन वही बात है ना, उसको नमज पता है कैसे दबानी है। चलो रानी, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तुमने आज सिखाया है कि तुम्हारी एक नबज यहाँ पर भी है, हल्की किक, स्ट्रॉन्ग किक, और उसके बाद क्या नाम है, चोक खींच के किक। तो इससे पता चला कि आज, चलो कोई बात नहीं, कभी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होना चाहिए यार। बाकी आज मन बहुत था यार मेरा, आज सच में राइडिंग का भी और फोटोग्राफी का बड़ा मन था यार आज मेरा। पता नहीं क्या होगा यार, मूड बहुत वो था, अपसेट सा था। एनी हाउ, चलो चल रहे हैं वापसी, अब घर का नाश्ता करेंगे, बस यही कहेंगे भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अपने पास, है या नहीं। सेल्फ मार मार के बहुत तेल जला दिया हमने आज। चलिए नो प्रॉब्लम, अब निकलते हैं यार घर को, वहीं से ब्लॉक करेंगे अब पहुंच करके यार।